डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसमें जैव अणु को पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये छठवां चैप्टर है, सिक्स नंबर चैप्टर, जैव अणु बायोमोलेक्यूल्स है ना। अब इस बायोमोलेक्यूल्स में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट्स को हम लोगों ने लिख लिया था, सेकेंड पॉइंट हम लोगों को बचा हुआ था। तो चलिए सेकेंड एरो से चीजों को पहले लिख लेते हैं फिर हम लोग समझेंगे। तो सेकेंड एरो देकर लिखा जाए, सेकेंड एरो में देकर लिखेंगे सुक्रोज मुख्य रूप से, सुक्रोज मुख्य रूप से ग्लूकोज, सॉरी मुख्य रूप से गन्ने, ग्लूकोज को काट दीजिएगा, मुख्य रूप से गन्ने तथा चुकंदर में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है। तो याद रखना है सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि जो सुक्रोज होते हैं, याद रखिएगा हम लोग पढ़े हैं सुक्रोज के बारे में कि सुक्रोज क्या है। तो सुक्रोज एक तरीके का चीनी है, ठीक है, जिसका फार्मूला C12H22O11 होता है। अब जब सुक्रोज को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको याद आना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दो प्रतिफल बनते हैं, एक का नाम होता है ग्लूकोज और दूसरे का नाम होता है फ्रक्टोज, ठीक है। तो आपको हम यहां से बताना चाह रहे हैं कि सुक्रोज जो है मुख्य रूप से कहां कहां पाया जाता है। तो सुक्रोज मुख्य रूप से गन्ने में पाया जाता है और दूसरा सबसे ज्यादा चुकंदर में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा दो ही में पाए जाते हैं, एक का गन्ना है और दूसरे का चुकंदर। तो गन्ने और चुकंदर में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सुक्रोज, याद रखिएगा सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड एरो, तीसरा पॉइंट देकर लिखा जाए माल्टोस, 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 बताते हैं माल्टोस क्या है। माल्टोस दो ग्लूकोज इकाई द्वारा, दो ग्लूकोज इकाई द्वारा निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, जिसमें जिसमें एक ग्लूकोज का C1, एक ग्लूकोज का C1 ऐसे कार्बन फर्स्ट, इसको बोलते हैं कार्बन फर्स्ट C1 कोमा दूसरे ग्लूकोज के, दूसरे ग्लूकोज के C4 से, C4 से जुड़े होते हैं, C4 से जुड़े होते हैं। चलो भाई देख लो, हम लोग यहां पे ये समझें कि माल्टोस जो होता है, एक नाम और हम लोगों को बढ़ गया माल्टोस। अब माल्टोस क्या होता है भाई? तो माल्टोस जो होता है वो दो ग्लूकोज को मिलाकर बनाया जाता है, याद रखिएगा। माल्टोस का मतलब क्या? माल्टोस का मतलब ग्लूकोज का अगर दो गो अणु लिया जाता है तब हम उसको बोलेंगे माल्टोस। याद रखना है कि माल्टोस जो है कितना ग्लूकोज को मिलाकर बनाया जाता है? तो दो ग्लूकोज के इकाई को मिलाकर हम लोग माल्टोस का निर्माण करते हैं। चलिए उसका संरचना देखेंगे तो पता चल जाएगा, संरचना कुछ इस तरीके से होता है माल्टोस का। ये हम लोगों को यहां से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और फिर यहां से तो देख पा रहे होंगे ये है हम लोगों को माल्टोस की संरचना, ठीक है। अब इस माल्टोस की संरचना हम लोग अभी अभी लिखे भी उसके ऊपर
कि माल्टोस का संरचना आखिर कैसा होता है, तो माल्टोस में याद रखिएगा ग्लूकोज के दो इकाई होते हैं। ग्लूकोज के यहाँ पे कितने अणु हैं? दो अणु, ठीक है। तो ग्लूकोज का ये पहला अणु है और ग्लूकोज का ये दूसरा अणु है, ठीक है। अब ग्लूकोज का ये पहला अणु, ग्लूकोज का ये दूसरा अणु, अगर दोनों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाता है तब हम लोगों को बनता है माल्टोस, ठीक है। अब इसमें अगर नंबरिंग का बात किया जाए तो ये हम लोगों को पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। इसमें भी यहां से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4। तो याद रखिएगा जब ग्लूकोज के दोनों इकाई को, दोनों अणु को आपस में जोड़ते हैं तो कार्बन 1 यानी कि C1 जो है C4 के साथ जुड़ जाता है और दोनों जुड़कर माल्टोस की संरचना बनाते हैं। तो याद रखिएगा माल्टोस का संरचना ग्लूकोज के दोनों एटम के जुड़ने से बना है। और कौन कौन से कार्बन आपस में जुड़ते हैं? तो C1 एंड C4, यही दोनों आपस में जुड़कर माल्टोस की संरचना प्रदान करते हैं, माल्टोस की संरचना देते हैं। तो आप उसके नीचे इस संरचना को भी बना लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और इन संरचना को बना लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर ये बन गया तो फिर महत्वपूर्ण तथ्य क्या, अगला एरो, नेक्स्ट एरो देंगे महत्वपूर्ण तथ्य का। नेक्स्ट एरो में देकर लिखेंगे, चूंकि लैक्टोज बताते हैं, लैक्टोज कहाँ है? तो ये लैक्टोज जो होता है ये दूध में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, चूंकि लैक्टोज दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, इसलिए लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। याद रखिएगा लैक्टोज कहां पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, इसलिए इसको दुग्ध शर्करा भी पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि दूध में मिठास की कुछ मात्रा होती है, कुछ मीठा भी पाया जाता है दूध में, तो इसलिए ताकि वहां पे लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज बहुत ही कम मात्रा में मीठा होता है, इसलिए याद रखिएगा कि दूध में जो पाया जाने वाला शर्करा है वो लैक्टोज है, इसलिए दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दुग्ध शर्करा किस क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूध में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। चलिए, फिर उसके नीचे एरो देकर लिखा जाए, नेक्स्ट एरो, स्टार्च हमारे भोजन में, नेक्स्ट एरो में लिखा जाए, स्टार्च हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला मुख्य अवयव है। देख लीजिए, याद रखिएगा आप लोग कि स्टार्च का काम क्या है, स्टार्च का काम है हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, यानी स्टार्च का काम क्या है, जो भी कुछ चीज खाते हैं अगर उससे स्टार्च हमको मिलता है, इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि हमें उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है और उससे जो मांड निकलता है वह एक स्टार्च है, और हम ये बोलते हैं, चाहे साइंस का ये कहना है कि आप जो है चावल को छोड़कर और वो मांड को पीजिएगा तो आपको शरीर के लिए ज्यादा लाभदायक है,
समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि उस चावल से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बोलो या क्या बोलो आप क्या बोल रहे थे भी सॉरी अभी ना स्टार्च बोलो हाँ याद नहीं था तो स्टार्च बोलो या फिर आप कार्बोहाइड्रेट बोलो उस मांड में ज्यादा पाया जाता है। वही नहीं दोस्तों, जब हम आलू को बॉयल करते हैं, आलू को उबालते हैं, फिर उसको चोखा मलते हैं, और चोखा मलते वक्त हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली उसके ऊपर वाले छिलके को हटा देते हैं, हटाते हैं। आपको जानना चाहिए कि उस आलू के छिलके में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। तो कुल मिलाकर खैर किसमें क्या पाया जाता है हम लोगों को उतना मतलब नहीं है, बस जानकारी के लिए बता दिए। हम लोगों को यहां पर यह पढ़ना है कि कोई भी स्टार्च वाले पदार्थ को अगर हम खाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रदान होगा। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने का एक मुख्य अवयव है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आयरन लिखेंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पिछले दिन हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, उसको पूरा करते हैं। फिर से नेक्स्ट एरो लिखेंगे, पौधों द्वारा भोज्य पदार्थों में स्टार्च होता है। पौधों द्वारा भोज्य पदार्थों में स्टार्च होता है, जैसे गेहूं कौमा मक्का, जैसे मैं लिखिएगा गेहूं मक्का चावल आदि में स्टार्च पाया जाता है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पौधों से जो हम भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे आप गन्ना खाते हो, चाहे आप फल खाते हो, चाहे आप सब्जी खाते हो, सभी एक्चुअली कहां से प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है ना, यानी कि प्लांट से हमें ये चीजें मिलती है। तो जो कोई भोज्य पदार्थ, वैसा भोजन जो हमें पौधों से डायरेक्टली प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं उससे स्टार्च भी हमें मिलता है, और जब हम स्टार्च खाते हैं तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट बनता है और वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जैसे आप चावल खाते हैं तो चावल भी पौधों के द्वारा ही, गन्ने खाते हैं गन्ने भी पौधे का माध्यम है, आप गेहूं मक्का चावल ये सब इटिस जो खाते हैं आप, सब में स्टार्च की मात्रा होती है, और उसको जब खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो याद रखिएगा कि पौधों से जो भोजन हम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा होती है, और जब हम उनको खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए फिर उसके आगे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए सेलुलोज ये कहां पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है, ठीक है। सेलुलोज पौधों में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, यह पौधों के कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है, याद रखिएगा सेलुलोज कहां पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है दोस्तों पौधों में, ठीक है। और पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है पौधों की, उसके निर्माण में उसको संरचना प्रदान करता है। जैसे मान लिया कि ये पौधे हैं, पौधे की जो जड़ी हो गई और पौधे की जो सेल वाल हो गए, यानी कि
कोशिका भित्ति होती है उस कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, निर्माण करने में सेलुलोज जो है सहायक होता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, और पेड़ पौधों में पाया जाता है तो इनका काम क्या है कि जो कोशिका भित्ति है उस कोशिका भित्ति को एक बढ़िया संरचना प्रदान करना, उसको जीवित रखना, उसको रक्षा करना। ठीक है, सेलुलोज का काम है। तो याद रखिएगा सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है। फिर फिलहाल नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए सेलुलोज में अनेक ग्लूकोज इकाई पाए जाते हैं, सेलुलोज में अनेक ग्लूकोज इकाई पाए जाते हैं, अतः यह रैखिक बहुलक है, अतः यह रैखिक बहुलक है। याद रखिएगा हम लोग अभी सीखे ना माल्टोज के बारे में, और माल्टोज में कितना ग्लूकोज इकाई होता है, तो ग्लूकोज के दो इकाई को मिलाकर हम लोगों को माल्टोज मिलता है। ग्लूकोज के कितने इकाई को मिलाकर माल्टोज बनाया जाता है, तो दो इकाई को मिलाकर माल्टोज बनाया जाता है। याद रखिएगा उसी तरीके से सेलुलोज जो है ग्लूकोज के कई अणु को मिलाकर बनाया जाता है, यानी एक दो नहीं, कई, यानी कि 10, 20, 15, 20, 50, 100 इतने सारे ग्लूकोज को मिलाते हैं तो सेलुलोज बनता है। याद रखो कि पेड़ पौधों में जब इतना सेलुलोज बनता है इसीलिए तो वहां से हमें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ये सब पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए पेड़ पौधे ही हम लोगों का आधार है जीवित रखने के लिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि उनमें देख लो कितनी मात्रा है। हम लोग सिर्फ ग्लूकोज जानते हैं और ग्लूकोज का ग्लूकोज है, यानी कि उससे भी ज्यादा कई ग्लूकोज उसके अंदर समाहित है, उसके अंदर है, जिसका नाम है सेलुलोज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही सेलुलोज हमारे लिए भी काम आता है। जब सेलुलोज का ही ग्रोथ होता है तो फूल फल पत्तियों में सब जगह सेलुलोज होता है, और जब हम खाते हैं उसके फल को तो हमें भी ग्लूकोज मीठा प्राप्त होता है, जैसे कि गन्ना या फिर कोई फल, तो इस तरीके से हमें प्राप्त होता है पौधों से कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए, अच्छा हाँ एक बात और कि इसीलिए रैखिक बहुलक है, तो रैखिक बहुलक जो है ना अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि रैखिक बहुलक जो अभी आप लिखे हैं उसको आप जो है 15 दिन का वेट कर लो, एक चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे बहुलक के नाम से, ये शायद 7 नंबर चैप्टर है, अब की तुरंत बहुलक ही मिलने वाला है, तो वहां पे हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर रैखिक बहुलक क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग रैखिक बहुलक जो लिखे हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप रहने दो, हम फिर समझा देंगे जब हम लोग एक नया चैप्टर बहुलक को पढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट अब लेकर लिखेंगे, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन बताते हैं क्या है, ग्लाइकोजेन पौधों में या सॉरी जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में समाहित रहता है, मांसपेशियों में समाहित रहता है। जिस तरीके से दोस्तों हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, किसी भी जंतु के लिए, गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, शेर, हिरन, खरगोश, जितने भी जंतु हैं उनके लिए भी कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, लेकिन वहां पे कार्बोहाइड्रेट दूसरे रूप में रहता है जिसका नाम है ग्लाइकोजेन। याद रखिएगा जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है, तो वो है ग्लाइकोजेन के रूप में। जिस तरीके से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है, उस तरीके से जंतुओं के लिए ग्लाइकोजेन का होना जरूरी है। तो
तो जिस तरीके से हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट है, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन। और एक ग्लाइकोजन पौधों में जंतुओं में कहां रहते हैं, यकृत में पाया जाता है, उनके मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जंतुओं में ग्लाइकोजन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट एरो लेंगे, लिखा जाए नेक्स्ट एरो लेकर, शरीर में जब भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, तब ग्लाइकोजन एंजाइम द्वारा जल अपघटन होता है और ग्लूकोज बनता है जो आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करता है, याद रखिएगा शरीर में ग्लाइकोजन जो होता है वो मांसपेशियों और यकृत में पाया जाता है। और जब भी हम लोग खाते पीते हैं तो उसके बाद खाना पचता है, लेकिन याद रखो एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए ग्लाइकोजन जो है वो यकृत में पूरे मांसपेशियों में रहता है। और हमें कभी भी ऊर्जा की जरूरत होती है या ग्लूकोज की जरूरत होती है तो शरीर में ही एक ऐसा बोल सकते हैं मैकेनिज्म है कि वो ऑलरेडी जल के साथ अपघटित करके, इसलिए कभी कभी आपको प्यास भूख भी लगता होगा तो पानी पीकर कुछ राहत महसूस होता होगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग खाते पीते हैं उससे जो विटामिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स मिलता है उसको एक जगह पे स्टोर किया जाता है और वो समय समय पर आपको प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए हम लोग जल पीते हैं, तो जल जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लाइकोजन के साथ अपघटित होकर ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। तो इसलिए हम लोग भूखे होते हुए भी हम लोग पानी पीकर अपने भूख को थोड़ी मात्रा कम कर सकते हैं, प्यास बुझा सकते हैं, कुछ एनर्जी ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, इसमें हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं। अब अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।